पंजाब के पठानकोट के एयरफोर्स बेस में हुए आत्मघाती हमले में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। हमला आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया। मुठभेड़ में एयरफोर्स के 3 जवान शहीद हो गए और 6 जवान घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी आतंकी पाकिस्तान के बहावलपुर से आए थे। आतंकी भारतीय सीमा के पास एक नाले के रास्ते घुसे थे। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। पहले खबर थी कि 4 से 6 आतंकी एयरफोर्स स्टेशन में दाखिल हुए थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आतंकियों की संख्या 15 हो सकती है। कुछ आतंकी एयरफोर्स स्टेशन के पास 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर घटना स्थल पर निगरानी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की सीमा से सबसे करीब एयरफोर्स स्टेशन है। खुफिया एजेंसियों ने नए साल पर आतंकी हमले की चेतावनी दी थी। 31 दिसंबर की शाम इन्हीं आतंकियों में से कुछ ने गुरदासपुर SP, उनके दोस्त और कुक को अगवा कर लिया था। गौरतलब है कि ये पिछले 6 महीने में पंजाब में दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले 27 जुलाई 2015 को गुरदासपुर में आतंकी हमला हुआ था, तब भी आतंकी पाकिस्तान के रास्ते से ही आए थे। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन हमारी सीमा के पास है। यहाँ हमारे बड़े हथियार रखे जाते हैं और युद्ध की स्थिति में पूरी रणनीति को यहीं से अंजाम दिया जाता है। 1965 और 1971 की लड़ाई में भी इस एयरफोर्स स्टेशन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा MiG-21 लड़ाकू विमानों के लिए भी ये बेस स्टेशन है।